नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया। राजनीतिक अखाड़े के सबसे बड़े मंच पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने से पहले भाजपा के सियासी हलकों में जबरदस्त हलचल बढ़ गई है। एक महीने से चल रहे मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा पर फिलहाल के लिए ब्रेक लगता नजर आ रहा है। पंचायत चुनाव में मिली हार के बाद कोरोना महामारी में सरकार की बद इंतजाम ने यहां की परतों ने साफ कर दिया कि ऑल इज नॉट वेल इन यूपी। दरअसल यूपी में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी थी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश से लौटकर लखनऊ पहुंच गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच चल रही खींचतानी ने सारी तैयारियों पर ग्रहण लगा दिया। अब खबरें सामने आ रही हैं कि आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच चल रहे शीत युद्ध में मोदी और शाह की एंट्री होगी। यूपी के सियासी हालात पर जल्द ही पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ अलग अलग बैठक कर सकते हैं। इस रार की इनसाइड स्टोरी की बात की जाए तो साल 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में ही बीजेपी ने यूपी में शानदार जीत हासिल की थी। तब यह माना जा रहा था कि केशव प्रसाद ही अगले सीएम होंगे, लेकिन पार्टी ने योगी आदित्यनाथ का राज तिलक कर दिया। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कब तक दोनों के बीच टशन देखने को मिली। साल 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद केशव प्रसाद मौर्य के नेम प्लेट एनएक्सी मुख्यमंत्री कार्यालय से हटा दी गई थी। विवाद बढ़ने पर दोनों का कार्यालय सचिवालय स्थित विधानसभा में स्थापित कर दिया गया। केशव प्रसाद मौर्य के विभाग लोक निर्माण के कामकाज की समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद करने लगे थे। विभाग के अफसरों के साथ मुख्यमंत्री सीधे बैठक करने लगे थे और इससे केशव प्रसाद को दूर रखा जाता था। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के कामकाज की समीक्षा शुरू की तो केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी के अधीन लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में भ्रष्टाचार को लेकर मुखर हो गए थे। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जांच की मांग शुरू कर दी। योगी आदित्यनाथ पर दर्ज मुकदमे आसानी से वापस हो गए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की बारी आई तो फाइलें इधर उधर होने लगी। पीएम के हस्तक्षेप के बाद केशव के खिलाफ दर्ज मुकदमे हटा दिए। लोक निर्माण विभाग के एमडी की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री कार्यालय से ही होती थी। केशव ने जिन अफसरों का नाम सुझाव में देते थे उन अफसरों की नियुक्ति नहीं होती थी। लोक निर्माण विभाग के निर्माण संबंधी जारी किए जा रहे बजट में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा बीते 4 साल में कई बार फाइलें वापस कर दी गई, जिसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री कार्यालय में कई बार हंगामा भी हुआ। खैर, यह टशन क्या रुख लेगी यह देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो साफ है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन कब? यह सारा दर्द केंद्रीय आलाकमान के पास पहुंचा, लिहाजा केंद्रीय आलाकमान से हरी झंडी मिलने के बाद आगे की दशा और दिशा दोनों तय होगी। नमस्कार।